स्टेज एक मेरे लिए मंदिर है और ये जो डिवाइस है ना वो मेरा भगवान है। यस, हेल्दी सूरत, हेल्दी गुजरात, हेल्दी इंडिया एंड हेल्दी मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय यादव है। पिछले 21 साल से अहमदाबाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। छोटा सा क्लिनिक है, राइट। डॉक्टर होते हुए भी मेरी फैमिली में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। मुझको सीवियर एसिडिटी रहती थी 21 साल से। मेरे मम्मी को हाइपरथायरॉइडिज्म यानी कि सूखा थायराइड था। मेरी मम्मी को थायराइड की दवाई चलती थी जो अहमदाबाद के नामक डॉक्टर है उनसे, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। मेरी मम्मी हर बार पूछती थी कि बेटा ये गोली कभी बंद नहीं हो सकती। मैं इतना नर्वस हो जाता था कि मम्मी नहीं, ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन थैंक्स टू एनर्जिक, थैंक्स टू दिस डिवाइस एंड थैंक्स टू माय स्पॉन्सर गोपाल सवानी, जिन्होंने आज से 16 महीने पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था और मैंने तुरंत ही डिसीजन लिया कि यस, ये मेरे लिए राइट है। और तुरंत ही डिसीजन लेके मैंने डिवाइस परचेस किया। और जैसे जैसे मैंने पानी स्टार्ट किया, मेरी जो 21 साल से मुझे जो एसिडिटी रहती थी वो पूरा गायब हो गया एक ही वीक में। और ये रिकॉर्ड है कि पिछले 15 महीने से मैंने एक भी गोली एसिडिटी की नहीं खाई है, राइट। तो और मेरी मदर को जो थायराइड का प्रॉब्लम था, उनका रिपोर्ट मैंने 3 महीने के बाद निकलवाया। साइंटिफिक लेबोरेटरी है अहमदाबाद में। 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट निकलवाया वो एकदम नॉर्मल आया, राइट। तो थैंक्स टू एनर्जी कंपनी, थैंक्स टू दिस डिवाइस। और मेरी मम्मी की जो आंखों में जो उनकी जो खुशियां थी ना, वो मेरे लिए वर्थ था। ये जब मैंने ये डिसीजन लिया तो उनकी जो दवाई बंद हो गई, वर्ल्ड में ऐसी भी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बॉडी सेल्स से बना है और सेल्स का फंक्शन है हमारे बॉडी को फंक्शन देना और पावर देना, राइट। तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम पानी करता है। लेकिन जैसे हमने अब यहां देखा प्रॉपर्टी में जो माइक्रो क्लस्टरिंग का, तो जो ये जो कैंगन वाटर है वो पतला पानी है। पानी बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाता है और सेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। और जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको खींच के बाहर निकाल लेता है, राइट। तो ये सिंपल पानी का ये फंक्शन है। तो जैसे कि हम सब लोग हर कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि हर किसी के घर में कोई, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को थायराइड है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट। ये ऐसी बीमारी है जो हमको लाइफस्टाइल मतलब लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन ये एक ही एक पानी ऐसा है, कैंगन वाटर, जिससे हमको ये छुटकारा दे सकता है, राइट। तो कैसे ये काम करता है, डायबिटीज में कैसे वर्क करता है, सिंपल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये पानी पतला है। तो जैसे कि डायबिटीज होता कैसे, पैंक्रियास के अंदर जो अल्फा सेल्स होते हैं उसमें से इंसुलिन सीक्रेट होना कम हो जाता है तो डायबिटीज होता है, राइट। तो ये पानी क्या करता है कि जो अल्फा सेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पहुंचाता है, यानी कि जो पतला पानी है उसकी वजह से उसका सेल्स रीजनरेट होता है और फिर से इंसुलिन मतलब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पानी पतला होने की वजह से ये रीजनरेशन होता है। दूसरा है ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसकी प्रोसेस को वो बढ़ाता है और डायबिटीज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तीसरा है कि ग्लैंडुलर फंक्शन, हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है जैसे कि थायराइड है, पैंक्रियास है, बहुत सारी पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स है, राइट। तो उसका जो फंक्शन है वो बढ़ाता है कैंगन वाटर। और चौथा है कि कैंगन वाटर पानी पीने से हमारा बॉडी पूरा रिचार्ज हो जाता है, हर बॉडी का जो सेल्स होता है वो फ्रेश हो जाता है और हमको रिफ्रेशमेंट मिलता है जैसे हम पानी पीते हैं। तो क्या होता है कि हम डायबिटीज के मरीज को ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि 5 से 7 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए कहते हैं, वो इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज कंट्रोल में होता है। दूसरा है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में कैसे फायदा होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो हार्ट होता है वो पंपिंग करता है
हमारी नली के अंदर, राइट, तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है कि अगर हमारा ब्लड गाढ़ा है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है हार्ट को। और दूसरा कि अगर ब्लड वेसल्स की जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये पानी काम क्या करता है कि हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है उसकी जो सॉफ्टनेस बढ़ाता है, क्योंकि अल्कलाइन हमारा ब्लड क्या हो जाता है पानी पीने से अल्कलाइन हो जाता है, एसिडिटी के माध्यम में स्टिफनेस बढ़ जाती है, उसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अल्कलाइन माध्यम में उसकी जो सॉफ्टनेस और ब्लड वेसल्स की वो नॉर्मल हो जाती है और डायलेट हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से जो ब्लड हमारा कैसा रहता है, पतला रहता है और हार्ट को इतना स्ट्रेस नहीं होता है और ब्लड प्रेशर हमारा इस तरह से कंट्रोल में रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के ऊपर ये वर्क करता है, राइट। तो जैसे मैं 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, छोटा सा क्लिनिक है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू इतने 21 साल से प्रैक्टिस कर रहे है, तेरे पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। मैं उनको एक ही आंसर देता हूं कि ये मेरे पास है ना वो मेरी माँ है। माँ, माँ यानी एम, एम फॉर माइक्रोबस्टरिंग, ए फॉर एंटी ऑक्सीडेशन एंड सेकंड ए मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि माँ, ये मेरी माँ है, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नागेश्वर सर, थैंक यू सर।